तो आज हम जानेंगे एपीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी के सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में। जी हाँ, मैं अनुराग पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमईएस स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। चलिए आज हम इस पर डिस्कस करते हैं एपीएस टीजीटी पीजीटी पीआरटी के सिलेबस के बारे में। तो इसकी अधिसूचना जारी हो ही चुकी है और 1 अक्टूबर से इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है, जिसकी लास्ट डेट 20 तारीख है। इसलिए जो भी उम्मीदवार हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं सरकारी नौकरी, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। यहाँ हमने AWES TGT PGT पैटर्न एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल में बताया है। बड़ी संख्या में उम्मीदवार आर्मी पब्लिक स्कूल TGT PGT PRT एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस की खोज कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनको यह पता चल जाता है कि परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने विषय होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगी, अधिकतम अंक कितने होंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, किस प्रकार से होगी आदि। इसलिए हम आपको इस पोस्ट और इस वीडियो के माध्यम से आर्मी पब्लिक स्कूल APS जिसे कहेंगे TGT PGT PRT एग्जाम पैटर्न सिलेबस 2020 को हम यहाँ पर देखेंगे। और भी जो आपके क्वेश्चन हैं, मैंने अलग से क्वेश्चन वहाँ पर लिख रखे हैं और उसके आंसर मैंने लास्ट में दिए हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है, जिसे आप हम अभी पढ़ें AWES, इसका है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। इसी के माध्यम से निकली है पोस्ट में जो निकली है आर्मी स्कूल टीचर की पोस्ट में PGT जिसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और प्राइमरी टीचर PRT जिसे बोलते हैं, पोस्ट निकली है और 8000 पोस्ट निकली है, ठीक है ना। और कैटेगरी आपने समझ लिया, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट ही है और ये गवर्नमेंट जॉब है, अक्रॉस इंडिया है, हाँ इसके मतलब ऑल ओवर इंडिया में। और एग्ज़ाम डेट 21-22 नवंबर को होने वाला है और कुछ भी अपडेट होगा, चेंज होता है, एडमिट कार्ड कब आता है, कौन सी बुक पढ़ना है, इसको अगर और ऐसे ही जानकारी आपको लेते रहना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है ना। तो उम्मीदवार जो भी होंगे, जो कैंडिडेट हैं, परीक्षा को क्लियर करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और बाद में परिणाम, मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू होकर के उम्मीदवार को चयन उनका होता है। तो ये इनके स्टेप हैं, लेकिन उसके पहले जो पेपर है उसका पैटर्न चलिए देखते हैं। लिखा है आर्मी स्कूल टीचर TGT PGT एग्ज़ाम पैटर्न। तो पैटर्न इसका देखिए PGT TGT के सेम एज पेपर होंगे और इसका पेपर देखिए, पेपर इसमें TGT PGT में दो होंगे, पार्ट ए पार्ट बी, और इसमें GK इंग्लिश होगा और पार्ट बी में स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, मतलब जो भी आपका स्पेशल जिस सब्जेक्ट से आपने किया है वो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और ड्यूरेशन 3 घंटे होगा, डेढ़ घंटे। फिलहाल दोनों बुकलेट आपको साथ में मिल जाएगी, आप कोई भी कर सकते हैं। 3 घंटे का रहेगा और 90-90 अंक निर्धारित तो होंगे, ठीक है ना। लेकिन PRT की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए PRT पार्ट ए सेम एज पार्ट फर्स्ट ए, मतलब जो PRT का पहला पेपर है और जो TGT PGT का पेपर है ये सेम होंगे, ठीक है ना। तो ये सेम होना है और ये PRT में एक ही पेपर होगा, 90 अंक का होगा, 90 मार्क्स का होगा और टाइम इसका है 1.5 घंटे 1 घंटा 30 मिनट का है, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो प्राइमरी जो है PRT है, उसमें जो पूछा जाएगा आप देखते हैं, जनरल अवेयरनेस है, मेंटल एबिलिटी है, इंग्लिश कम्प्रिहेंशन है और एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी, ये इनसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, इनसे 90 क्वेश्चन निकल के आएंगे। अब ये बटेगा कैसे ये अभी क्लियर नहीं है कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 आएंगे, 25 आएंगे, किसमें कितने आएंगे, ये अभी क्लियर नहीं है। और ये जैसे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नहीं आता है, हाँ ये जनरल अवेयरनेस का आता है और ये इसमें का भी क्वेश्चन आते हैं अच्छे मात्रा में।
तो फोकस आपको सभी पे करना है फिलहाल, और ये एक सुनहरा मौका है, आपको इसे जाने नहीं देना है, ठीक है। तो ये 90 मार्क का है, और कितने मिनट का है, 90 मिनट का है, मीन्स एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर हिंदी में कवर कर लिया है, लिख दिया है। जिन भाइयों को PDF चाहिए होगा, फ्रेंड्स को, वो हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिंक दिए होंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वही चीज़ है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा है, और जो भी प्रश्नों का प्रकार होगा वो विकल्पी होगा। देखिए, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे और आप अच्छे से कर पाएंगे। आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट्स में मैंने ये कर दी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएगा। अब चलेंगे हम जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन और एजुकेशनल क्लासरूम मेथोडोलॉजी में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर तो PRT को मैंने डिस्कस किया है। पार्ट बी का जो होता है वो आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड रहेगा, उसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आते हैं, अब सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे। सब्जेक्ट वाइज जैसा मैंने अभी ऊपर ही पढ़ा चारों, अब चारों में हम इसको बांटेंगे, और इसका बी पार्ट मैंने बताया कि जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे आएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले है जनरल अवेयरनेस देखते हैं, जिसमें आपका ये देखिए कल्चर आएगा, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिक रिसर्च आएंगे, हाँ हिस्ट्री आएगा, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, करंट नॉलेज, इसके अलावा इसमें से ये भी आएंगे, फेमस बुक हैं आर्थर्स, इन्वायरमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, हाँ फेमस डेज एंड डेट, हाँ केमिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें आएंगे, इन्वेंशन एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, इंडियन हिस्ट्री, फिजिक्स, इंडियन फिजिक्स, बेसिक कंप्यूटर, बॉटनी, इंडियन कल्चर, इससे रिलेटेड ये आपके जनरल अवेयरनेस से, GK से, ये क्वेश्चन करंट से, इतने एरियाज से आएंगे, कुछ घट बढ़ भी सकते हैं। और ये आर्मी पब्लिक स्कूल, अच्छा लास्ट ईयर के जो पेपर आए थे उसी से ये निकाला गया है, ठीक है ना। आर्मी पब्लिक स्कूल के जो भी है सिलेबस है किसका, मेंटल एबिलिटी का है। मेंटल एबिलिटी में फिलहाल आप जो भी आप बुक लेंगे उसमें ये सारी चीज़ें होंगी, अल्फ़ाबेट टेस्ट होगा, इंक्लूडिंग मिसिंग कैरेक्टर्स होगा, सेटिंग अरेंजमेंट होगा, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सिक्वेंस टेस्ट होगा, तो ये चीज़ें आपको कवर करनी होगी सारी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अब हम इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में देखेंगे, वोकैबुलरी आएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यूज, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडिट्स, ETC आएगा, वोकैबुलरी एंड ग्रामर आएगा, वर्ब आएगा, ऐसे ही आपके ये सेंटेंसेस, वर्ड वर्ब ये आएंगे, तो इसको भी आपको कवर करना होगा साथ में। और कुछ फ्रेंड्स का क्वेश्चन था कि TGT PGT सच्चों की लिखित परीक्षा के लिए समय क्या है, तो समय आपको पता ही है कि मैंने बता दिया 180 मिनट होगा, हाँ उनको 90 मिनट अलग मिलेंगे दूसरे पेपर के लिए। और शिक्षकों की लिखित परीक्षा के लिए समय क्या है, तो जो PRT के शिक्षक हैं उनके लिए आपको पता ही है कि 90 मिनट होगा। और चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो ये मैंने अभी जस्ट बता ही दिया, इन्हीं के बेस होगा, हाँ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और फिर आपकी टीचिंग स्किल देखेंगे जो है, हाँ उसके बाद जो है आप ज्वाइन करेंगे। तो इसमें क्या नकारात्मक अंकन है, तो अभी तक जो पता चल रहा है उसमें बताया गया है कि 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। क्या उम्मीदवार के शिक्षण कौशल का मूल्यांकन करने में कोई परीक्षण है, हाँ तो 15 अंक के लिए परीक्षण होगी शिक्षण कौशल के लिए इसमें, ठीक है ना। तो और इसमें क्या हम सभी पेपर के लिए फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, या तो PGT भरेंगे या PRT भरेंगे, उसमें से आप एक ही फिल कर सकते हैं। और आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी वहाँ पर वेबसाइट दिखेगी, वहाँ से आप फॉर्म आप फिल कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि लेट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, और सर्वर क्या होता है बिजी हो जाता है। तो एप्लीकेशन बिगिन 1 अक्टूबर से हो ही गया है, लास्ट डेट 20 अक्टूबर है, और लास्ट डेट पेमेंट वाली भी 20 तारीख है, एग्ज़ाम डेट 21/22 मैंने बता ही दिया, एडमिट कार्ड अवेलेबल 4 नवंबर को हो जाएगा, रिजल्ट क्लियर 2 दिसंबर को हो जाएगा, और फीस सभी के लिए 500 है, और डेबिट कार्ड ऑनलाइन नेट बैंकिंग आदि से पैसे कटवाए जा सकते हैं। और एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर इतने एग्ज़ाम सेंटर दिए हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, वहाँ भी जा देख लीजिएगा, एज लिमिट यहाँ पर दिया है। टोटल वैकेंसी
8000 दिया है, बहुत अच्छा मौका दिया है आपके लिए, बहुत अच्छा मौका है भी, और सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी दिया है कि जो भी आप है उसमें मिनिमम 50 मार्क्स से पास हों, जैसे ये है कि डिग्री इन इंग्लिश विद BA डिग्री 50 मार्क्स, हाँ तो PG TGT के लिए दिया है कि 50 मार्क्स कम से कम होना चाहिए, अगर 50 मार्क्स से कम है तो आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते हैं, आप पेपर दे नहीं सकते हैं। अब मैंने उसे सिलेबस को एक साथ लिख दिया है अच्छे से, कि जैसे PRT में है मेंटल एबिलिटी है, सामान्य जागरूकता है, इंग्लिश कम्प्रिहेंसन है, शैक्षिक अवधारणाएँ जिससे मेथोडोलॉजी एंड एजुकेशनल से जो भी है वो है, और ये सब्जेक्टिव जो है पार्ट बी वाला मैंने यहाँ पर कर दिया है, और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप इसे अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और साथ में चैनल को अगर ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड की जाए आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का यूं ही ख्याल रखते रहिए, खूब मन से तैयारी करिए, जय हिंद।